हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च और 1 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 16वें फीकी उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ए, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 16वें फीकी शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16वें फीकी उच्च शिखर सम्मेलन 2021 को उद्घाटन किया है। फीकी उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन के 16वें संस्करण का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा वर्चुअल माध्यम के जरिए आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। बात किया गया इसमें फीकी की, तो FIICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहा जाता है। फीकी भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इनकी मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है उदय शंकर और इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, 27 फरवरी को हाल ही में प्रोटीन दिवस को मनाया गया है। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य के साथ प्रोटीन के पोषण संबंधित लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ADB के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, युचांग उम को ADB के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें ADB की, तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एशियाई विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी कि मुख्यालय है मनीला जो कि फिलीपींस में है, अध्यक्ष हैं ताम सुगु ओसाकावा और प्रबंध निदेशक हैं वुचांग उम। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोथ ब्रांड लीव्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है सी, दीपिका पादुकोण लीव्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। इसमें बात किया गया है ब्रांड एम्बेसडर की, तो इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू हैं, आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पिरुजू खामबट्टा हैं, निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर विधा बालन को बनाया गया है, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ए, -7% रहने का अनुमान लगाया है। बात किया गया है इसमें GDP की, तो GDP क्या होता है? तो GDP यानी सकल घरेलू उत्पादन किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी निश्चित राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। किया गया है इसमें ICRA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यह भारत की रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। इसके MD एंड CEO NCU रामन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है, वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, मार्क्स प्लेयर FATF के अध्यक्ष बने हैं। बात किया गया है इसमें FATF की,
तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ का उद्देश्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। एफएटीएफ की स्थापना 1989 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है पेरिस जो कि फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर हैं। किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। साथ ही इसमें पाकिस्तान की भी बात की गई है, तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, भारत देश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। भारत ने ब्रिक्स फाइनेंशियल और केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक की सह अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पत्रा ने की है। बात किया गया है इसमें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। इसकी मुख्यालय है संघाई जो कि चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ए, सीताराम कुंडे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। सीताराम कुंडे संजय कुमार की जगह लेंगे। बात किया गया इसमें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। यहाँ लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला शासित प्रदेश बन गया है। बात किया गया इसमें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। प्रशासक है विजेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में क्रिकेट के सभी स्पोर्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, यूसुफ पठान। हाल ही में क्रिकेट के सभी स्पोर्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी स्पोर्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से भारत के लिए 57 एक दिवसीय और 22 T20 मैच खेले हैं। वह ICC T20 विश्व कप 2007 और ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा उन्होंने सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 46 विकेट भी लिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।